सो वेलकम बैक माने टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोलैंड का वीज़ा जो है अब वो एम्बेसी दे रही है, ना कि VFS ग्लोबल। सो हुआ क्या है, दरअसल अभी पोलैंड का एक स्कैंडल हुआ था ना कि मतलब वीज़ा जो है वो डिप्लोमेट्स पोलैंड के वो पैसे में दे रहे हैं नाइजीरिया में, इंडिया में और कई सारी कंट्रीज़ में, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। मैं दो कंट्री का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यहीं पर हो रहा है, ये और जगह पर भी हो रहा है। तो ऐसे और फिर यहाँ लॉ एंड जस्टिस जो पार्टी है अभी उसको एक तरह से डिफेम करा जा रहा है, तो उन्होंने एक्शन लिया, तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को रिज़ाइन भी करवाया था, ठीक है। तो ऐसे ये सारे सिचुएशंस हुए। उसके बाद फिर पोलैंड के जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा है कि VFS ग्लोबल को अपना काम देना बंद कर दिया। और भाई VFS ग्लोबल की वेबसाइट ऐसी है जो कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है। अब मैं श्योर नहीं कि वो हैक्ड है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उसकी कोडिंग ऐसी है कि कोई भी हैक कर सकता। तो वो साइट ऑलरेडी हैक थी, एजेंट्स वगैरह अपना पैसा बना रहे थे। तो बीच में एजेंट्स वगैरह जब आते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल के बीच में, जो इंडिविजुअल मेहनती है और जो बाहर जाके पढ़ना चाहता है उसको मतलब मिलना चाहिए ना भाई, कि मतलब उसको वीज़ा मिले, वो जाके बाहर पढ़े बगैर किसी प्रॉब्लम्स के। मतलब जो जेन्युइन लोग होते हैं उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी और जो पैसा दे रहे थे उनको मिल रही थी। तो एक तरीके से एजेंट्स पैसा खाए जा रहे थे। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ है तो एम्बेसी सिर्फ उन्हीं को देगी, और गवर्नमेंट साइट है एम्बेसी की जो जहाँ से आप अपॉइंटमेंट लोगे तो वो सेफ साइट होगी थोड़ी, है ना, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। कर तो सकते हैं लेकिन वो हैक नहीं होगी, ठीक है, ये गारंटी पोलैंड की गवर्नमेंट लेगी मेरे हिसाब से। तो अब आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, बट आपको एम्बेसी की वेबसाइट से जाके करना है। और वही सेम रूल है कि मतलब जो भी इंडिया में है वो मतलब ज्यूरिसडिक्शन पे डिपेंड करता है, कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हो। तो जैसे अब इंडिया में दिल्ली में तो हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे दिल्ली में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेशी लोग वहाँ पर आते हैं, ठीक है, और बाकी श्रीलंका के लोगों के लिए तो अलग से होगा ही, ठीक है, और मालदीव्स के लोगों के लिए श्रीलंका में कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड एम्बेसी वगैरह में, अगर वो हिंदी समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो इंग्लिश में नहीं बनाई है, बट आई होप उन तक ये मैसेज पहुँच जाए, ठीक है, और मेरे अलावा और उन्होंने भी वीडियो बनाई होगी भाई, तो हेल्प हो जाएगी आपकी। बट मेन न्यूज़ यही थी कि एम्बेसी की साइट से अब आपको बुक करना है। और अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है ना यार, तो एम्बेसी को ईमेल करो और एम्बेसी ना आपको लिंक भेजेगी एग्जैक्ट, होपफुली वो आपको भेजेगी और आप वहाँ से बुक कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एम्बेसी में, ठीक है, वेबसाइट लिंक पर जाके, उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट आप अपना बुक कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को उसका तरीका मिलता है, नहीं तो फिर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और लिंक्स वगैरह दे देना है, ठीक है, आप विजिट करें उनको और आप गो थ्रू करें, और आई होपफुली आप उनको ईमेल करोगे तो वो आपको प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। अभी तक मेरे पे ये अपडेट है तो मैंने ये अपडेट दे दी भाई, जो मैं लिंक दूंगा ना वहाँ पे आपने जाना है, उसके बाद फिर आपको वो नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म होगा वो भरना है आपने, वो भरने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी जिस डेट की आपको मिलेगी, ठीक है, अगर मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो मतलब अगली जो भी डेट होगी वो आपको दिखा देंगे कि इस डेट को ये खुलेगी, उस दिन आपने जाके वहाँ पे विजिट करके ये फॉर्म दोबारा से भरना है, और फॉर्म भरने के लिए 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे के अंदर वो फॉर्म भर देना भाई, और 1 घंटे के अंदर जब भरोगे तो जो डेट दिखेगी वो सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद फिर अपने अपॉइंटमेंट के लिए चले जाना। तो ये प्रोसेस है, बाकी मैं लिंक्स वगैरह आप सारा कुछ दे देता हूँ, ठीक है। और दिस वॉज लाइक द बिगेस्ट न्यूज़ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम लाइक पोलैंड वीज़ा रिलेशंस, ठीक है, पोलैंड वीज़ा रिलेटेड जो भी बड़ा मेजर एक न्यूज़ था वो यही है कि स्कैंडल हुआ, फिर VFS ग्लोबल को हटा ही दिया उन्होंने, और अच्छा है हटा दिया, VFS ग्लोबल का पैसा गया एक तरीके से, और अच्छा है उनका पैसा जाना भी चाहिए, क्योंकि एजेंट्स वगैरह यार पैसा खा जाते थे, जेन्युइन लोगों को मिलता नहीं था। तो यही था अपडेट, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो और ये वीडियो शेयर करो, अगर कोई भी पोलैंड आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, ना कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट से, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, प्लीज़।